सिवनी मालवा में मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण प्रारंभ। मतदान कर्मियों ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से किया मतदान। जिला निर्वाचन अधिकारी नर्मदापुरम के निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 136 के सिवनी मालवा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 5 अक्टूबर 2023 से विधानसभा निर्वाचन हेतु नियुक्त दल के सभी सदस्यों को पीठासीन अधिकारी क्रमांक 1, 2 तथा 3 को मतदान सामग्री प्राप्त करने से लेकर मतदान सामग्री जमा करने तक का प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रदान किया गया। इसमें मतदान कर्मियों को ईवीएम मशीन का हैंड्स ऑन प्रशिक्षण भी दिया गया तथा दिखावटी मतदान के बारे में भी बताया गया। ईवीएम मशीन का संचालन की प्रक्रिया मार्क पोल एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा पत्र तथा रिपोर्ट के फॉर्म के साथ ही मतपत्र लेखा एवं अन्य विभिन्न प्रपत्रों को भरवाना भी प्रशिक्षण में बताया गया। प्रशिक्षण पीपीटी के माध्यम से भी दिया गया। प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका भी प्रदान की गई। प्रमोसिय गुजर रिटर्निंग अधिकारी विधानसभा 136 सिवनी मालवा एवं राकेश खजूरिया सहायक रिटर्निंग अधिकारी 136 सिवनी मालवा ने भी प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। प्रशिक्षण स्थल पर विधानसभा नर्मदापुरम पीपरिया सुहागपुर एवं सिवनी मालवा के कर्मचारी ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से मताधिकार का उपयोग किया। प्रथम दिन के प्रशिक्षण में 362 मतदान कर्मी उपस्थित थे। प्रशिक्षण के अंत में सभी मतदान कर्मियों से प्रश्न पत्र हल करवाया गया। किस तरह प्रशिक्षण दिया जा रहा है? आज विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत सिवनी मालवा विधानसभा में जिन लोगों की मतदान दलों में ड्यूटी लगी है उनका द्वितीय प्रशिक्षण यहां चल रहा है, और जिन लोगों की विधानसभा से बाहर ड्यूटी लगी हुई है उन कर्मचारियों के पोस्टल बैलेट से मतदान भी कराया जा रहा है, और जिनकी विधानसभा के अंदर ड्यूटी लगी है उनको निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र भी जारी किया जा रहा है। हमारे इस कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 7 कमरों में प्रशिक्षण अभी चल रहा है और 4 फैसिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं जो चारों विधानसभाओं के हैं, उनमें भी बारी बारी से मतदान किया जा रहा है। लगभग कितने कर्मचारी का प्रशिक्षण चल रहा है? देखिए, ये पूरा 4 दिन का शेड्यूल है। आज हमारे यहाँ पर 362 कर्मचारियों का प्रशिक्षण है 7 कमरों में। कल से 250 है और लास्ट दिन 240 लोगों का प्रशिक्षण है।